खबर बड़वानी से, भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हमला ज्ञापन दिया। बड़वानी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हमले का कांग्रेसियों ने किया विरोध। बड़वानी विधायक सहित कांग्रेस नेताओं ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। असम में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हुए हमले के विरोध में मंगलवार को बड़वानी जिला मुख्यालय में कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम जिला मुख्यालय में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेसियों का आरोप है कि असम सरकार ने पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पूरी सुरक्षा देने की गारंटी ली थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि राहुल गांधी की यात्रा को जनता का भारी समर्थन मिल रहा तो असम की सरकार ने उनकी सुरक्षा व्यवस्था को हटा दिया। वहां के मंदिर में पूजा करने से रोक लगा दी। फिर भाजपा ने लोगों ने झंडे और डंडे लेकर उन पर हमला किया, गाड़ियों पर कई जगह पथराव किया। यह सब असम सरकार के इशारे पर हुआ, जिसका कांग्रेस विरोध कर रही। कांग्रेसियों ने असम सरकार को रद्द करने की मांग करते हुए इसे बीजेपी के द्वारा देश का संविधान खत्म करने का प्रयास बताया है। यात्रा वर्तमान में पूर्वोत्तर राज्यों से गुजर रही है। शांतिपूर्वक चल रही यात्रा पर असम की भाजपा सरकार के संरक्षण, जिस प्रकार से भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर राहुल गांधी देश के भ्रमण पर निकले हैं और लोगों से रूबरू होने निकले हैं, तो जब असम में यात्रा गुजर रही है तो वहाँ के मुख्यमंत्री के अप्रत्यक्ष निर्देश और आदेश के कारण वहाँ का स्थानीय प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के गुंडे ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा को बीच बीच में रोक रहे हैं, खतराव कर रहे हैं और हमारे कांग्रेस पार्टी के कई बड़े वरिष्ठ नेता भी घायल हुए हैं। साथ में राहुल गांधी जो पूर्व में ही मंदिर में उनको निमंत्रण था मंदिर दर्शन का, जब वो मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे तो भाजपा के गुंडों ने उनको मंदिर जाने तक रोका है। तो ये एक तरह से भारत के अंदर ये स्थिति पैदा कर दी कि मोदी के शासन में कि लोगों को लोकतंत्र की हत्या हो ही रही, लोगों के जीवन जीने के अधिकार को भी छीनने का प्रयास कर रहे हैं। खबर भारतवर्ष के लिए बड़वानी से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।